हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। ये खबरों की शुरुआत करते हैं। कष्ट निवारण समिति की बैठक में हिस्सा लेने सिरसा पहुंचे गृहमंत्री अनिल विज ने न सिर्फ लोगों की शिकायतें सुनी बल्कि 15 से ज्यादा शिकायतों का मौके से ही निपटारा किया। इस मौके पर जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम पर बोलने से उन्होंने इनकार करते हुए जेजेपी का अंदरूनी मामला बताया। वहीं प्रदेश में डॉक्टरों की कमी पर विज ने कहा कि जल्द ही 750 डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी ताकि अस्पतालों की व्यवस्था ठीक हो सके। इसके साथ ही विज ने 31 मार्च से पहले प्रदेश में डायल 112 शुरू करने की बात कही और उन्होंने कहा कि इसके लिए 600 नई गाड़ियों को खरीदने की तैयारियां चल रही हैं ताकि पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। वहीं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर विज ने कहा कि एक बैठक हो चुकी है और अधिकारियों से इस पर पूछा गया कि अगर इसे लागू किया जाता है तो सरकार पर क्या क्या असर होगा। जैसे ही अधिकारियों का जवाब मिलेगा आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने पराली और प्रदूषण के बहाने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उनको नौटंकीबाज बताया। डॉक्टरों की शॉर्टेज है और डॉक्टरों की शॉर्टेज खाली हरियाणा में नहीं है, सारे हिंदुस्तान में है और उसको दूर करने के लिए नरेंद्र मोदी जी प्रयास भी कर रहे हैं। इसीलिए इतने सारे मेडिकल कॉलेज खोलने की उन्होंने घोषणा की है क्योंकि डॉक्टर बनाने के लिए तो मेडिकल कॉलेज खोलने पड़ेंगे। तो हरियाणा में इसको दूर करने के लिए हमारे पास आज की तारीख में 750 डॉक्टरों की कमी है और 750 डॉक्टरों की भर्ती हम इसी महीने करने जा रहे हैं। सारी प्रक्रियाएं उसकी पूरी कर ली गई हैं। 400 उसमें रेगुलर आधार पर करेंगे और 250 जो 300 हैं वो हम एडहोक आधार पर डॉक्टर भर्ती करेंगे। हम डायल 112 को 31 मार्च से पहले पहले चालू कर देंगे। उसके लिए हमें सारी व्यवस्था हमने कर ली है। उसके लिए 600 वाहन खरीदे जाएंगे, पुराने वाहनों को भी सर्विस में डाला जाएगा, कुछ मोटरसाइकिल खरीदे जाएंगे। टोटल 1600 वाहन जो हैं उनपे वो सिस्टम लगाया जाएगा और पंचकुला में हेड ऑफिस बनाया जाएगा। कॉल सेंटर पंचकुला में होगा, अभी जो कॉल जाती है वो जिले में जाती है, फिर हर कॉल जो है वो पंचकुला में जाया करेगी, वहां से उसको ट्रांसफर करेंगे और वो गाड़ियों पे फिटेड होगा, जीपीएस ऑपरेटेड सिस्टम होगा, लेटेस्ट सिस्टम होगा वो। और उसमें हमारा ये जो उसमें किट कमिटमेंट है कि 15 मिनट में जहां से डिस्ट्रेस कॉल आए उसके पास गाड़ी पहुंच जानी चाहिए। अगर नहीं पहुंचेगी तो कंपनी के ऊपर भी जुर्माना लगेगा, कर्मचारियों के ऊपर भी कार्रवाई होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल हैं, वो एक नौटंकीबाज हैं पूरी तरह से और वो अपनी सारी राजनीति जो है मार्केटिंग के जरिए करते हैं। और क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए हैं उनको दिल्ली का मीडिया हर बात के लिए उठाता है। पराली तो मैंने कहा था कि हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा 15 दिन जलती होगी, लेकिन दिल्ली का प्रदूषण तो सारा साल खराब रहता है, उसके लिए कौन दोषी है? केजरीवाल बताएं कि उसके लिए कौन दोषी है। अभी एक सर्वे रिपोर्ट आई थी तो बताया था साल में केवल 18 दिन शुद्ध वायु दिल्ली के लोगों को मिलती है, बाकी के दिनों के लिए दिल्ली में कौन दोषी है? केजरीवाल वो कारणों को ढूंढे और उनको खत्म करें। हम भी यहां पर पराली जलाने को खत्म कर रहे हैं।